भाई बीच में देखो, अब ये आया हुआ है, इसको भी संभालना पड़ रहा है, मामू ड्यूटीज में निभानी पड़ती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, रिसेंटली यूट्यूब कम्युनिटी में एक बहुत ही वीडियो ऑनलाइन सरफेस हो रही है, जिसमें रिसेंटली एल्विश यादव ने मैक्सटन के पास जाके, मतलब किसी स्टोर पे जाके, मैक्सटन जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी, मतलब मैक्सटन उसका वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके एल्विश यादव ने मैक्सटन को मारा। और अकेले ही नहीं, इनफैक्ट कि 7-8, मतलब जितने भी 9-10 लड़के साथ में एल्विश के साथ गए, उन्होंने जाके अकेले मैक्सटन, जो वहाँ पे अकेले बैठे थे, जो ऑनलाइन आ रहा है कि मतलब मैक्सटन के मेरे ख्याल से 3 शायद फ्रेंड्स और वहाँ पे उनके साथ थे, पर किसी ने भी कुछ करा नहीं, मैक्सटन को अकेले एल्विश ने मारा। और उनके बाकी एल्विश के कई दोस्त ऐसे थे जो उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे बीच में, लेकिन उसके बाद अगले दिन मैक्सटन ने पूरा ऑनलाइन अपलोड करा कि भाई मेरे को मारा गया है एल्विश के द्वारा, उनके मतलब होंठ पे चोट भी लगी हुई थी, और उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर और भी कई ऐसी मतलब धाराएं थी जो उनपे उन्होंने एल्विश के अगेंस्ट FIR करवाई। लेकिन मैक्सटन का मानना है कि पुलिस ने रिपोर्ट में सारी की सारी धाराएं नहीं लिखी। तो बीइंग फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी धाराएं जो मैक्सटन ने एल्विश पर लगाई हैं, क्या क्या और लग सकता था और क्या क्या लगना चाहिए था। तो पूरा सीन कुछ ऐसा था, मैक्सटन जो काफ़ी मतलब कॉन्टिन्यूसली, मतलब वो उसके टाइम से ही, मतलब एल्विश का ऐसा कहना है, रिसेंटली एल्विश ने कुछ वीडियोज भी अपलोड करी हैं, उन्होंने अपनी साइड से अपना पर्सपेक्टिव रखते हुए कि क्या हुआ। 8 महीने से लगातार बुकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एल्विश ने करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार। उन्होंने सबसे पहले मैक्सटन का बताया कि भाई मैक्सटन बिग बॉस के बाद से ही उनको काफ़ी पोक कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने रिसेंटली एक मतलब मैक्सटन के एल्विश का जो पेज है एल्विश आर्मी करके, उन्होंने कोई पोस्ट करा, तो उसमें मैक्सटन ने कमेंट करा कि कैसी गवार पेजेस को आप फॉलो कर रहे हो, तो जिस पे एल्विश ने कमेंट करा कि भाई तुमको अनफॉलो कर दूँ क्या, और उसके बाद मैक्सटन ने बोला कि भाई मैं खुद ही इसको अनफॉलो कर दूंगा, और अनफॉलो कर दिया। तो रिसेंटली भाई एल्विश कोई मैच के ISPL का मैच खेलने गए थे, जहाँ पे मुनावर के साथ उन्होंने पोस्ट भी डाला और व्लॉग भी करा, तो मैक्सटन ने इसी का वो उठाते हुए बोला कि एल्विश को दोगला बोला इनडायरेक्टली, उन्होंने काफ़ी टाइम से उसको पोक कर रहे थे और इस पर भी पोक करा। तो भाई देखो, पोक करना तो ठीक है, एक डिफरेंट चीज़, ऑल इन अ डिफरेंट थिंग हो गई है। उसके बाद मैक्सटन और इनकी आपस में एल्विश की बात हुई, मैक्सटन ने एल्विश को मतलब लोकेशन भेजी कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। एक चीज़ मेरे को नहीं समझ आई, जो मैक्सटन के एंड पे एल्विश को फ़ोन कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, कितनी देर में पहुँचोगे, ये सब कई चीज़ें ऐसी होती है। मेरा मानना यह है कि ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ की, यार अगर आपका किसी से कोई पंगा चल रहा है, कुछ भी है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन नहीं आनी चाहिए। अगर कोई सीरियस इशू था भी, दोनों बैठ के आपस में सॉल्व कर सकते थे, दोनों ईजिली इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन मैक्सटन ने जो मेरा मतलब, पहले मैं मैक्सटन का बताता हूँ कि किस पॉइंट पे मेरे को मैक्सटन थोड़ा गलत लगा, मतलब गलती भी क्या, मतलब कि मैक्सटन यार ठीक है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट स्टिल इस चीज़ को वो बिना ऑनलाइन आए मतलब रिजॉल्व कर सकते थे, या नॉर्मल जो भी था टॉक आउट कर लेते, या जो मतलब मैक्सटन का यही मानना है कि उन्होंने सिर्फ एल्विश को बुलाया था बात करने के लिए, लेकिन लाइव जाना मेरे को ठीक नहीं लगा। भाई इसके बाद जो नेक्स्ट हमने क्लिप देखी कि एल्विश सीधा स्टोर के अंदर वॉक इन करते हैं और बिना कोई बात करे सीधा मैक्सटन को मारना शुरू करते हैं। मतलब माना जाता, मतलब है कि यार ठीक है, अगर आप गुस्सा भी हैं, देश में कानून बना है, सब कुछ जुडिशरी है, कानून है, पुलिस वाले बैठे, सब बैठे हैं, उसके बाद यार आप इन सबको, मतलब कि कई लोग मानते हैं कि वो कानून से ऊपर है, उन्होंने आके सीधा उसको मारना शुरू करा, जो कहीं पे कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, ये सब नहीं होना चाहिए था। मैक्सटन का मेरा ये मानना बिल्कुल ठीक है कि भाई मैक्सटन ने अगले दिन आके जो भी उसने कहा कि हाँ मेरे को मारा गया, वो सब कम्युनिटी को कॉल आउट करा, वो सब ओके है कि भाई किसी को कोई हेल्प चाहिए वो कम्युनिटी से मांग रहा है, बट पहले जो चीज़ थी वो मैक्सटन के एंड पे गलत था, बट स्टिल जो एल्विश ने किया वो कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड था, वो नहीं होना चाहिए था। या तो इसको नॉर्मली बैठ के सॉर्ट आउट करते, अगर एल्विश को कोई इशू भी था वो कंप्लेंट फाइल कर सकते थे या कुछ कर सकते थे, अगर साइबर बुलिंग या कुछ भी मतलब उसमें जाके, या फिर पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे कि ये मेरे साथ हो रहा है, या लेकिन उन्होंने सीधा जाके मैक्सटन को पीटना चूज करा और वहाँ पे बहुत ही गलत करा। तो भाई मेरा दूसरा जो पॉइंट है कि मतलब एल्विश ने यार कॉन्टिन्यूसली इतने ओवर द ईयर्स मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ देखी, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच चुके हो यार अपनी लाइफ में, आपने एक मुकाम हासिल करा, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव या थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव होना चाहिए अपनी इमेज को लेके। ये मैक्सटन वाला इशू, ये तो प्रॉपर भाई बिल्कुल फोन कॉल पे बात हो रही है प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि 6-7 लड़के साथ में जाके उसके बाद मारा गया, तो भाई ये तो एक प्लान ऑफ एक्शन, मतलब प्रॉपर रेज में जाके उन्होंने अपना एक दिखाने के लिए मैक्सटन को मारा कि भाई, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे स्टोरी पोस्ट करी है कि वर्क डन, भाई उन्होंने मैक्सटन को जाके पीट दिया। ये कम्प्लीटली जस्टिफाइड नहीं है मेरी साइड से। एक हीट ऑफ द मोमेंट में जो जयपुर वाला इंसिडेंट था, उसमें लोगों ने फिर एल्विश को मतलब इतना कॉल आउट नहीं करा, थोड़ा सा इनकी कम्युनिटी ने इनको सपोर्ट दिखाया था,
तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा जो भी FIR के अंडर एलविश यादव के ऊपर सेक्शंस इम्पोज किए गए हैं उसको आपको थोड़ा सा मतलब लीगल टर्म में इजीली मतलब इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या लगाए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन जो लगाया गया है वो IPC का 146 है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, लाइव जो भी हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर स्टोर के अंदर 10 बंदे साथ में एलविश के साथ मतलब जो भी 10 बंदे आए हैं और एक ने किसी ने मतलब हाथ उठाया, क्लब अकम्प्लिस माने जाएंगे सारे के सारे जो भी हैं अकम्प्लिस, जो भी बाकी के 9 बंदे हैं वो भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट उनका भी माना जाएगा। 146 हमारा ये स्टेट करता है। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 147 ऑफ IPC, जिसमें 146 की ही पनिशमेंट बताई गई है, जो है पनिशमेंट है 2 साल की सज़ा या फिर फाइन। नेक्स्ट जो IPC का सेक्शन इम्पोज किया गया है वो है सेक्शन 323 IPC का, जो है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। इसको भी दो तरीकों से बाइफर्केट कर सकते हैं कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट जो नॉर्मली अगर आपने किसी को मारा तो वो है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, और अगर कोई सीरियस किसी को इंजरी हो जाती है वो होती है ग्रीवियस हर्ट। तो मैक्सन का जो मानना है कि भाई जब वो एमएलसी होता है कि हॉस्पिटल वाले जब आप जाते हैं उनको वहाँ पे एक चेकअप करते हैं आपका FIR के लिए, मैक्सन का ये कहना है कि भाई उनका कोई भी एक्सरे वगैरह कुछ भी नहीं किया गया वहाँ पे, सिर्फ नॉर्मली लिख दिया गया कि भाई उनको यहाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन लगाया गया है वो IPC का सेक्शन 506 है, जो है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो मतलब एलविश ने अगर मैक्सन को धमकाया तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस बनता है, और 506 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है कि या तो 2 साल की सज़ा या फिर फाइन। बाद में जो मैं आपको बताना चाहूँगा और मैक्सन का जो मानना है कि एलविश को ये जो भी सारे ऑफेंसेस के लिए बुक किया गया पुलिस के द्वारा वो सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस है, कोई भी ऑफेंस ऐसा नहीं है जो कि नॉन बेलेबल हो। तो जो भी ये चारों सेक्शंस के अंडर एलविश को बुक किया गया है पुलिस के द्वारा वो सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और मैक्सन का यही मानना है जो भी मतलब उनकी कंप्लेंट है पुलिस से वो यही है कि भाई एलविश को सारे बेलेबल सेक्शंस के अंडर बुक किया गया है। बेलेबल सेक्शंस वो होते हैं जिसमें आपको पुलिस अरेस्ट के बिना ही बेल दे देती है, और नॉन बेलेबल वो होते हैं जिसमें आपको कोर्ट के थ्रू मतलब एक एप्लीकेशन लगा के बेल लेनी पड़ती है। तो मैक्सन का यही इशू है कि भाई कि एलविश को ग्रीवियस हर्ट के लिए जो मतलब उनका मैक्सन का मानना है कि उनकी स्पाइन पर इंजरी हुई है और उनको किसी भी मतलब उस पर ग्रीवियस हर्ट पे मतलब बुक नहीं किया है, जो भी उन्होंने मुक्के वगैरह उनको मारे हैं ग्रीवियस इंजरी के लिए बुक नहीं किया गया, जो कि एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनता है। भाई यूट्यूब कम्युनिटी भी जो इसमें मतलब दो साइड्स पे बटी हुई है, कई यूट्यूबर्स हैं जो मतलब एलविश को सपोर्ट कर रहे हैं, कई हैं जो मैक्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब फिलहाल हम इस चीज़ पे जो भी मतलब इंपॉर्टेंट आपको सारे पॉइंट्स हमने इस लड़ाई के बारे में आपको बताया कि क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हुआ है। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी और नेक्स्ट डे मेरा पोस्ट करने का वो था, उसमें उतने में ही पता चला कि रजत दलाल एक करके बॉडी बिल्डर है जिन्होंने रिसेंटली न्यूज़ में भी थे कि सिंगा नाम के करके मतलब किसी बॉडी बिल्डर को इन्होंने अपने 5-6 बंदे ले जाके उन्होंने मारा जिम के वहाँ पे बंदे को मारा, और लाइव भी थे ये इन सब के दौरान। तो अब वो बीच में मैक्सटन की साइड आए और उन्होंने मतलब इनको बोला कि हाँ कि एक मीटिंग करते हैं एलविश यादव के साथ मैक्सटन के साथ, और मैक्सटन के घर एलविश को इन्होंने इनवाइट करा और शाम को लाइव आके लिटरली भाई लाइव आके बंदों ने तीनों ने वहाँ पे दिखाया कि हाँ भाई इनका सब कुछ, रजत दलाल ने दिखाया कि हाँ इनका सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और रजत दलाल पे भाई इतने मीम्स बन रहे हैं कि महात्मा गांधी और रजत दलाल दोनों सेम है। इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विश से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के पीछे बात करें।